सीधा सा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंडिया अलायंस बनाएगा हुकूमत, अखिलेश यादव ने मीडिया को जवाब दिया। वही नीतीश कुमार ने मोदी हुकूमत में 3 वजारतों का क्या मुतालबा? सबसे पहले आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के सरबर अखिलेश यादव ने 6 जून जुमारात को इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने की उम्मीद जाहिर की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में जब गिनती होती है तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है, जबकि लोकसभा में अक्सरियत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि फिर भी उसने हुकूमत बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब ये नतीजे आने के बाद सियासी गलियारों में उस बात से मुतालिक कयास आराई चल रही है कि एनडीए की वापसी मुश्किल हो सकती है। एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू की वजह से ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के पलटी मारने की कयास अराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। इंडिया अलायंस के लीडरान इशारों में दोनों पार्टियों को अपनी तरफ करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी इनसे सवाल हुआ कि आप अभी भी इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने की सूरत देख रहे हैं? उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि खुश करने से हमारी हुकूमत बन रही है, तो कोई और भी खुश कर सकता है। उस पर एक दिगर सहाफी ने पूछा कि अभी भी आपको उम्मीद है कि हुकूमत बन जाएगी? उस पर समाजवादी पार्टी के सरबर अखिलेश यादव ने कहा, जमहूरियत में जब गिनती होती है तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए और उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए और हमारी हुकूमत बन रही है। वही नीतीश कुमार एनडीए के हलीफ जेडीयू के लीडर है, उन्होंने बिहार में 12 सीटें जीती है। उस तनाजुर में उनकी मौजूदगी एनडीए के लिए बहुत अहम है। जेडीयू जराए के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने 3 वजारतों का मुतालबा किया है। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के साथ साथ उन्होंने 4 मेंबराने पार्लियामेंट के लिए एक वजारत का फार्मूला हुकूमत के सामने रखा है। दरअसल 12 MP जेडीयू के हैं, इसलिए उन्हें 3 वजारतें चाहिए। जराए से मौसूला खबर के मुताबिक नीतीश कुमार रेलवे, ज़राअत और वजीर खजाना की वजारतें चाहते हैं, जबकि वजारतें रेलवे तरजीह पर है। नाज़रीन, इन दोनों खबरों के ताल्लुक से आपकी क्या राय, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।